उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से ही मंदिर में आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महाकाल मंदिर एमपी का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनने जा रहा है, जहां 3R तकनीक से कचरे का निपटारा किया जाएगा। इससे बनने वाली खाद का महाकाल लोक में उपयोग होगा, जिससे यहां का गार्डन भी हरा भरा नजर आएगा। इसकी शुरुआत 15 फरवरी से हो जाएगी। खासतौर पर अन्य क्षेत्र और मंदिर में फूलों के वेस्ट से खाद बनाई जाएगी। उज्जैन का महाकाल मंदिर एमपी का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनने जा रहा है। मंदिर से निकलने वाले कचरे को 3R टेक्निक से रिसाइकल किया जाएगा और इससे निकलने वाले खाद से महाकाल लोक के गार्डन को हरा भरा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से हो जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से ही मंदिर में आधुनिकतम सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। अब मंदिर परिसर को भी जीरो वेस्ट करने की तैयारी कर ली गई है। कचरे से खाद बनाने का प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। जमीन पर पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालेंगे। पूरे मंदिर से कचरा इकट्ठा किया जाएगा। सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग किया जाएगा। मंदिर के सरफेस पार्किंग में प्रोसेसिंग यूनिट में कचरा डालेंगे। इसकी मदद से खाद बनाई जाएगी। तो हमारी जो प्लानिंग है कि जो सूखा कचरा आएगा उसके लिए हम छोटा सा MRFC बनाएंगे और सूखे कचरे में जो भी वैल्यूबल्स होगा, रिसाइकलेबल्स होगा, उसको जो एंड यूजर है, जैसे कोई इंडस्ट्री हो सकती है, उनको हम देंगे। साथ ही जो हमारा गीला कचरा जितना भी जनरेट होगा, उस गीले कचरे को मंदिर कैंपस के अंदर ही प्रोसेस करेंगे, उसकी हम खाद बनाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आसपास जितनी दुकानें हैं, जो हमारे पीछे हैं, या फिर बड़ा गणेश के आसपास हैं, या फिर त्रिवेणी के आसपास हैं, मंदिर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हर एक छोटी चीज़, चाहे वो सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, या कोई दूसरा, क्योंकि भारत शासन के अनुसार आपको पूरे कचरे को 6 टाइप में सेग्रेट करना चाहिए, तो वो सभी कचरे को जो कि हम प्रोसेस कर सकते हैं अंदर प्रोसेस। महाकाल मंदिर प्रशासक की माने तो उन्होंने आसपास की दुकानों को नोटिस देकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। शीघ्र ही मंदिर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को रिसाइकल कर उससे खाद बनाने के लिए प्लांट लगा दिया जाएगा और मंदिर से निकलने वाला यह कचरा इसी प्लांट के जरिए प्रोसेस होगा। जय श्री महाकाल। यहाँ उज्जैन में काफी साफ सफाई है और महाकाल मंदिर, महाकाल लोक में जो जीरो वेस्ट परिसर चल रहा है, उसमें आगे भी सकारात्मक कार्य होना चाहिए और अच्छा ही होगा आगे। महाकाल मंदिर के पार्किंग सरफेस एरिया में ऑर्गेनिक वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट लगाया जाएगा। इसकी मदद से मंदिर से निकलने वाले कचरे को यहीं पर 3R टेक्निक के जरिए गीले और सूखे कचरे को ठिकाने लगाया जाएगा। मंदिर में फूलों के वेस्ट से खाद बनाई जाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता के साथ उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट।